हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आज मैं आपको एक बहुत ही खास व्यक्ति से मिलाने जा रहा हूं। इनका नाम है मिस्टर नंदन वर्मा जी। काफी समय से रशिया में ही है। मेरा एक्चुअली इनको इंट्रोड्यूस कराने का ये मकसद था कि मेरा एक पिछला वीडियो मैंने बनाया था, सिंधी लैंग्वेज में बनाया था मैंने। अगर आपने नहीं देखा तो वो देख लो। उसमें मैंने बताया था कि ऑर्फन एज के बारे में और ओल्ड एज जो होते हैं अनाथ आश्रम, उनके लिए बताया था। तो उन्होंने मेरा वीडियो देखा था, फिर उन्होंने इसमें कुछ थोड़ा रोशनी डाली और कुछ उसके लिए मेरे को बताया। तो मैं चाहता हूँ कि वो सारी बातें आपके साथ शेयर हो। तो चलिए डायरेक्ट बात करते हैं। तो सर आप बताइए। नमस्कार सब लोगों को। वो प्रकाश जी ने बोला कि मैं अपना इंट्रोडक्शन खुद ही कर रहा हूँ। ठीक है, मेरा नाम नंदन है। मैंने जैसे बताया, हम लोग की बहुत पुरानी जान पहचान है। प्रकाश जी एक बहुत ही हम्बल आदमी है, तो थैंक यू। हम लोग की नॉर्मल किसी सब्जेक्ट पे बात होती रहती है टाइम टू टाइम। तो कोई 3-4 दिन पहले जब बात हुई थी, प्रकाश जी ने मेरे को बताया, मैंने इनका देखा था वीडियो, तो इन्होंने बताया जो सब्जेक्ट उसके अंदर लिया था। मेरे को सिद्धि साधु की पूरी समझ में नहीं आती है, लेकिन जितना मेरे को समझ में आया उसमें मेरे को ये समझ में आया, एक सब्जेक्ट था कि जो ओल्ड होम में लोग रह रहे हैं, जो हमारे बुजुर्ग लोग, जिनकी एक तरह से बोले मजबूरी है, जो होना नहीं चाहिए, उधर उधर लोग नहीं रहने चाहिए, बिल्कुल। मैंने कोई वो बताया लोग, था कि हाँ वो मैंने लोग कोई नहीं बात रहने नहीं। चाहिए, बिल्कुल वो बिल्कुल। लोग घर में रहने चाहिए। और खासकर अगर हमारा हिंदुस्तान और भारत के लोग हैं, जो हम लोग इतने लोगों की आदत करते हैं, जब हमारे बड़े आते हैं तो हम खड़े हो जाते हैं, हम उनको कैसे ओल्ड होम में छोड़ के आते हैं हमारे को पता नहीं है। एक दूसरा मैटर है, उसके ऊपर हम लोग कभी बात कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं उसके ऊपर। लेकिन अभी का जो डिस्कशन का मैटर है वो ये है कि ओल्ड होम में जो लोग रह रहे हैं और जो बच्चे ऑर्फनेज में रह रहे हैं, प्रकाश जी ने बोला था अगर उनको किसी तरीके से हम एक दूसरे से मिलाएं या एक जगह पे उनको रखें, तो जो ओल्ड लोग हैं उनका मन लगेगा और जो बच्चे हैं उनको ओल्ड लोगों से शायद बहुत कुछ मिल जाए सीखने के लिए। बिल्कुल, ये मैसेज ऐसा लगा था। कभी मैंने ये बनाया था वीडियो, पर जब आपसे बात हुई थी तो मुझे लगा कि ये सारी बातें शायद अपने व्यूअर्स को पता नहीं चाहिए। हाँ, क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा है। जी, आपने जो सोचा है बहुत अच्छी चीज सोची है खैर, मैंने सुना था आपने। किसी का वीडियो आया था, सॉरी मैम डिस्टर्ब कर रहा हूँ, किसी का आया था, तो इसलिए मैंने कहा ये बातें हर व्यक्ति तक जानी चाहिए। और जिस तरह से आपने मुझे बताया था, तो इसलिए वीडियो बनाने पर मैं वार रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, ताकि ये हर व्यक्ति को पता पड़ेगी, हर व्यक्ति को। क्या सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, क्योंकि ऐसा कम लोगों ने सोचा है। आपने जो सोचा है बहुत अच्छी बात सोची है। अब इसमें सोचना ये है कि अगर जो ओल्ड होम वाले लोग हैं और जो बच्चे हैं उनको हम एक साथ रखते हैं, ये इसमें नो डाउट कि एक बहुत ही फ्रूटफुल चीज होगा। लेकिन उसमें हम लोगों को क्या टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ सकता है, उसका क्या प्लस है और क्या माइनस है। तो मेरे को जैसे हमने मैंने आपको बताया था जी, मेरे को लगता है जो सबसे बड़ी चीज है क्या होता है, जब ओल्ड होम में लोग रहते हैं तो उम्र के साथ कई तरह के प्रॉब्लम्स भी आते हैं, बीमारियां हो जाती हैं, कुछ कुछ बीमारियां होती हैं जो नॉर्मल हैं, कुछ बीमारियां ज्यादा होती हैं, कुछ इन्फेक्टेड होती हैं। तो जब बच्चों को हम उधर रखते हैं रखेंगे तो हम लोगों को ये चीज को देखना पड़ेगा कि भाई बच्चे उधर रह रहे हैं आके, तो कैसे वो इन सब चीजों से दूर रह पाएंगे, कैसे उनको ये चीज इन्फेक्ट नहीं करेगा। तो हम लोग ये टेक्निकल चीज है, जी इसके बारे में सोचना जरूरी है, जरूर जरूर। कैसे उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इंटरटेनमेंट दोनों का होगा, ये भी बहुत अच्छा है बात है। दूसरी चीज क्या है कि जब ओल्ड एज को इसमें लोग आते हैं तो वो भी एक तरीके से बच्चे ही हैं। हाँ, इसीलिए ये सोचा गया था कुछ। जी तो अब ये बच्चे उनको परेशान तो नहीं करते हैं, जी क्योंकि ये बच्चों का तो इनको तो बहुत कुछ पता नहीं जिंदगी में, तो ये तो सबको अपने साथ ट्रीट करेंगे, तो परेशान तो नहीं कर दे इनको। ये भी एक सब्जेक्ट है, इसके ऊपर भी सोचना है कि भाई कैसे हम इस चीज को कर सकते हैं। जब ये बच्चे वहां रहेंगे तो उनका हम रहने का अरेंजमेंट कैसे कर सकते हैं। तो क्या है कि इसके अंदर कुछ टेक्निकल इशू है जिनको हम लोगों को उसके ऊपर फोकस करना होगा, जिनका सोल्यूशन निकाला जा सकता है। लेकिन इसमें क्या होगा, अगर हम लोग इंडिया के प्रोस्पेक्टिव बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या है कि एनजीओस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऐसे लोगों को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। कुछ लीगल इश्यूज हैं, कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं, फाइनेंशियल इश्यूज हैं। तो अगर हमको रियलिटी इसके ऊपर कुछ करना है तो इसके लिए एक प्लान होना चाहिए, और उस प्लान के ऊपर करके एज अ सैंपल, एज ए स्टार्टिंग, कहीं एक जगह करना चाहिए 10 बुजुर्ग और 10 बच्चों को। इसलिए वो एक वीडियो बनाने का मकसद यही था कि एक बार ये शुरू होना चाहिए, फिर इसका इफेक्ट क्या आता है आगे वो
वो फिर देखा जाए। बहुत अच्छा आपने सोचा हुआ है। अब उसमें क्या है कि वो 10 बुजुर्ग जी और 5 बच्चे या 10 बच्चे को, कौन से एज के बच्चे को हम रखें जी, और रखने के बाद उनको देखें कि ये कैसा कैसा आउटकम कैसा आता है जी। अगर बहुत फ्लरिशिंग आउटकम आता है तो इट्स अ वेरी गुड थिंग, तो फिर आगे उसको बढ़ाया जा सकता है, ज्यादा लोगों को लिया जा सकता है जी। फिर उसका क्या है कि ओल्ड एज होम में लोग रह रहे हैं उनका क्या, उनको किस तरीके से मैनेज किया जा रहा है फाइनेंशियली जी, एनजीओज हैं कैसे हैं, तो इसके ऊपर अगर हम लोग सोचते हैं कि अगर आगे इसके ऊपर काम करना है तो हम लोग को थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा, थोड़ा जो ओल्ड बैठे हैं उनसे हम लोगों को लेना पड़ेगा उनका फीडबैक जी, बच्चों से लेना पड़ेगा फीडबैक, फिर हम लोग इसको आगे कुछ ना कुछ वर्कआउट कर सकते हैं। तो ये जो सब्जेक्ट है इसके ऊपर हम लोग कर सकते हैं, बट एनीवे ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा है प्रकाश जी, आपने बहुत अच्छा सब्जेक्ट उठाया है, इसके लिए आपको कांग्रेचुलेशन। थैंक यू, थैंक यू। लोगों को सोचना चाहिए इसके ऊपर जी। बेसिकली कोई भी समाज के अंदर चेंज करना है, चेंज बहुत बड़ा वर्ड है, चेंज वर्ड बहुत बड़ा है, बिल्कुल बहुत बड़ा वर्ड है, ये बहुत लाउड है, बहुत लाउड वर्ड है चेंज करना है। तो समाज के अंदर अगर कोई भी इंप्रूवमेंट करना है, मैं उसको इंप्रूवमेंट बोलता हूँ, इंप्रूव करना है, चेंज करने का मतलब है कि आप आज ब्लैक थे कल व्हाइट करना है जी, इंप्रूवमेंट का मतलब आज आप ब्लैक थे जी तो आपको थोड़ा ग्रे में आना है, और ग्रे से आपको सारे ब्लू में भी व्हाइट पे लेके आना है, तो ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन करना है। तो ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन अगर करना है हम लोगों को किसी भी चीज के ऊपर, तो उसके लिए एक अपने पास रिसोर्स होने चाहिए, अपने पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए जिसके बेस के ऊपर हम इसको कर सकते हैं। अभी हम लोग बैठे रशिया में जी, हम इंडिया के अंदर कोई प्रैक्टिकल चेंज नहीं ला सकते हैं, लेकिन हम लोग एक चीज कर सकते हैं कि हम लोग प्रैक्टिकल आइडियाज अगर दें तो कोई ना कोई एनजीओ जिसको ये चीज समझ में आएगी, कोई ना कोई ह्यूमन बींग जिसको ये चीज समझ में आएगी वो उसको करेगा, और शायद कहीं हो भी रहा होगा जिसको भी हम लोग फाइंड आउट करेंगे, अगर हम लोग को मिलेगा जी तो हम लोग उस आदमी से कोशिश करके भले इंडिया में हो ऑनलाइन इंटरव्यू लेके आपको बताएंगे कि हाउ इज इंप्लीमेंटिंग ऑल दिस थिंग्स, हाउ इज सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। तो क्या है कि इसको एक छोटा सा हल्का सा सोशल मूवमेंट कहीं ना कहीं बना सकते हैं, इससे क्या होगा कि इससे सब लोगों का फायदा होगा, सब जो बुजुर्ग लोग हैं जो किसी लोग हैं, बुजुर्गों का तो आदर करना ही चाहिए लेकिन प्रैक्टिकली उनको कैसे हेल्प कर सकते हैं ये हम लोगों को अगर सोच सकते हैं हम लोग सब कोशिश करेंगे, एक कोशिश क्या है प्रकाश जी कि जो आपसे बात चल रही है इसके ऊपर मेरे को एक चीज ख्याल आया जी। क्या हुआ कि किसी टाइम पे चाइना में एक बहुत अमीर आदमी हुआ करता था। अच्छा जी। तो वो बड़े शहर में रहता था और उसकी माँ एक छोटे शहर में छोटे से गांव में रहती थी, तो वो अपने काम में बिजी सब कुछ उधर कर रहा था, तो उसको किसी ने खबर दिया कि तुम्हारी माँ बहुत बीमार है तो तुम जाओ उसको देखने को, तो वो अपने गांव आया जब देखने को, तो माँ जो थी वो बेसिकली मरने वाली थी बेचारी, उसका अंत समय आ गया था, तो उसने अपनी माँ को पूछा माँ तुम्हारा आखिरी इच्छा क्या है जी, क्या कर सकता हूँ मैं तुम्हारे लिए, मैं इधर हूँ बताओ तुमको कोई ऐसी चीज हो जो चाहिए मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकूँ। तो उसकी माँ ने बोला बेटा मेरे को एक फैन खरीद के ला, तो वो बड़ा परेशान हो गया, उसने बोला अभी माँ तुम बेसिकली अभी मरने वाली हो तुम फैन क्यों चाहिए तुमको, तो उसने बोला बेटा मेरे को मेरे नहीं चाहिए फैन, फैन तुम्हारे लिए चाहिए। तो वो परेशान हो गया बोला मेरे लिए क्यों फैन चाहिए, तो उसने बोला जैसे तुम मेरे को छोड़ के इधर चले गए जब तुम्हारे बच्चे तुमको इधर छोड़ेंगे ना तो तुमको गर्मी नहीं लगनी चाहिए यहाँ पे। तो मोरल ये है स्टोरी का कि पहली बात है माँ की जी। जो मर भी रही है तो अपने बच्चे के बारे में सोच रही है जी। ये माँ का स्टोरी है, और दूसरा स्टोरी है जो आदमी का जी। जो हम लोग से रिलेट करता है जी। कि हम अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं तो हमारे माँ बाप उस जगह पे रहते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ हम लोग, मैं बोल रहा हूँ बहुत सारे लोग जी। मैं किसी पर्टिकुलर को नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये जो सिचुएशन होता है इसमें आदमी को ये समझना चाहिए कि वो जो आज कर रहा है उसका रिजल्ट भी उसको मिलेगा जी। ये हम लोग के शास्त्रों में बताया गया है कि जो भी आप करोगे उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। अगर आपने फॉर एग्जाम्पल अगर आपने अमरूद के पेड़ लगाए आप आम खा सकते हो उससे, बिल्कुल आम खाने के लिए आम का पेड़ लगाना पड़ेगा, बिल्कुल
और अगर आपने बबुल का पेड़ लगाया है तो उससे आप कभी भी जामुन नहीं खा सकते, बबुल से आपको बबुल का कांटा ही मिलेगा। तो जो जिंदगी का फिलॉसफी है वो ये है कि जो आप बोओगे वही उगेगा, वही उगेगा, वही उगेगा। तो अगर आपने भलाई बोई है ना तो भलाई ही मिलेगा आपको, और अगर आपने सच्चाई बोई है तो आपको सच्चाई मिलेगा, और अगर आपने गलत चीज बोई है तो आपको वो गलत चीज मिलेगा। आदमी को भगवान के ऊपर विश्वास करके सिर्फ पूजा नहीं करना चाहिए जी। उसको जो आचरण है उसके अंदर उस चीज को लाना चाहिए। अखंड विश्वास भगवान पे होना चाहिए जी। लेकिन आपने आचरण में उस विश्वास को लाना चाहिए। तो हम और आप जो काम करते हैं उस काम के अंदर, डेली लाइफ के अंदर, काम करते हुए, बिजनेस करते हुए, कुछ भी करते हुए, हम लोग कोशिश करना चाहिए कि हम लोग उस आचरण को जो किसी का कोई भलाई कर सके कैसे लाए, छोटा सा भी भलाई कर सके कैसे लाए। सर्टेनली आने वाले वीडियोस में हम आपको बताएंगे कि प्रैक्टिकली हर दिन क्या आप कर सकते हो जो चीज किसी ना किसी की भलाई कर सकती है। तो भलाई करने का मतलब क्या है, आपने भलाई, मैं आपको बता रहा हूँ, एक पेड़ बोने की जगह एक भलाई भी बोना। तो अगर आप 3 साल तक भलाई बो दिए अपनी जिंदगी में, तो फिर आपको फिर आप उसके फल खा नहीं पाओगे। तो ये भलाई के लिए ये वीडियो बन रहा है, और हो सकता है कि किसी एक का भला हो तो हमारा वीडियो बनाने का, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, पूरा हम प्रैक्टिकली कोशिश करेंगे, प्रैक्टिकली कोशिश करेंगे। और जिंदगी के अंदर देखो, अपना जो ख्याल होता है ना, सिर्फ अपना ख्याल आप जो जानवर होता है वो भी रखता है। बिल्कुल सिर्फ अपना ख्याल वो भी रखता है। देखो जब जानवर होता है वो जो बड़ा हो जाता है, शेर के बच्चे होते हैं जो बड़े हो जाते हैं, जब खाना मिलता है ना उनको तो झगड़ा होता है उनके अंदर, फिर भी उतना ज्यादा नहीं, फिर भी वो एक परिवार के जैसे रहते हैं, कहीं ना कहीं बांटते नहीं है वो, लेकिन झगड़ा होता है, झगड़ा जो छीन लेता है वो छीन लेता है। तो वहां क्या है, वो जानवर है, उसका नेचर है, उसका नेचर ये है कि उसने अपना खाना खुद पकड़ना है जी। हम लोग इंसान है, हमारा नेचर अगर जानवर से मिल गया तो हम फिर इंसान कहां से, तो हमारा नेचर मिलना चाहिए इंसानों से। इंसान का नेचर क्या है, बांटने का, किसी के साथ मिल के खाने का, जिसके पास नहीं है उसके साथ खाने का, ये है इंसान का नेचर। तो हम लोगों को अपने नेचर में रहना चाहिए। आज उसी नेचर से हम मिले हैं, आज हाँ, हाँ, हाँ। आज आपने कुछ पसंद किया मेरे हाँ, तो वो और मुझे भी जो अपने व्यूज को बता रहा, इसलिए आज का ये वीडियो बन रहा है, ताकि सबके साथ ये बात शेयर कर लूं, अपने तक ही रखूं ताकि सब सुन सके, सबको पता पड़े। आपने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है प्रकाश जी, क्योंकि काफी लोगों से मैं मिलता रहता हूँ, मेरे को कोई 20 से 25 साल, प्रैक्टिकली स्पीकिंग 25 साल से ऊपर का बिजनेस एक्सपीरियंस है। मैं मोर और लेस दुनिया की हर कंट्री में घूम चुका हूँ, मेरे पास हर जगह अच्छे अच्छे दोस्त लोग हैं, मेरे पास बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम का जान पहचान है, और मैं अच्छे अच्छे लोगों के साथ बैठता हूँ। अच्छे लोगों से कहने का मतलब ये मत समझना कि जो अच्छे कपड़े पहनते हैं अच्छे लोगों का मतलब होता है जिनका आचरण अच्छा होता है, जो लोग एक कंसियसनेस वाले लोग हैं, जिनमें कंसियसनेस है लाइफ के प्रति। तो मेरे को काफी दिन से ये सब्जेक्ट चल रहा था मेरे मन में कि जो कुछ मैं कुछ शेयर कर सकूं लोगों के साथ तो उसको शेयर करूं। तो मैं ये मानता हूं कि जो लोग, जो भगवान है, जो क्रिएटर है, उसके पास हर चीज का एक रास्ता है जी। वो रास्ता अगर हम लोग को मालूम नहीं है तो हम लोग सोचते हैं कि ये रास्ता है नहीं जी। क्योंकि हम लोग को दिख नहीं रहा, बिल्कुल हमको इस दीवार के पीछे क्या है हम लोग को दिख नहीं रही है जी। इसका ये मतलब तो नहीं, वो नहीं है, वहां है वो चीज, हमको दिख नहीं रही। तो आपसे मिला के उसने शायद एक रास्ता बताया है जिसके थ्रू हम लोग कुछ शेयर कर सके लोगों के साथ, क्योंकि मैं अकेले नहीं कर सकता इसको। नहीं, मैं भी अकेले नहीं कर सकता हूँ, मुझे भी किसका साथ चाहिए। और वाकई इस चैनल के माध्यम से यही मेरा मोटिव था कि कुछ ऐसी अच्छी चीज अपने दर्शकों को, अपने साथियों को, अपने दोस्तों को बता सके, और इस पर हम लोग एक अलग से चैनल भी बना लेंगे हाँ। ताकि ये सारी चीजें हम लोग वहां पर शेयर कर सके।
तो ज्यादा से ज्यादा मैं वही आप बल्कि हम लोग रिक्वेस्ट कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और कमेंट्स भी करें। उनको क्वेश्चन है, आप लोग हमारे को लाइक कीजिए, आप लोग हमारे को डिसलाइक भी कीजिए। डिसलाइक करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप हमको मत देखिए, डिसलाइक करने का मतलब ये होता है कि आप हमको ये बताएं कि कौन सी चीज है जो आपको कंसर्न करती है, कौन सी चीज है जो आपको अपील करती है, कौन सी ऐसी चीज है, कौन सी ऐसी सब्जेक्ट है जिसके ऊपर आप सोचते हो कि आपको हम लोग कोई छोटा सा इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। बिल्कुल वही, तो हमारा कोशिश ये होगा कि हम उसको प्रैक्टिकली दें। हम लोग के तरफ से हम लोग अपने कुछ सब्जेक्ट मैटर्स हैं जो हम लोग आपके पास लेके आएंगे। हम लोग का सोचना ये है कि हम लोग कुछ चीजों को, जो चीजों का डेफिनेशन है, जैसे अभी हम लोग प्रकाश जी से बात कर रहे थे धर्म के बारे में, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत लाउड सब्जेक्ट है धर्म के बारे में, तो मैंने इनको बताया है कि धर्म और रिलीजन दो अलग अलग चीज है जी। लोग धर्म और स्पिरिचुअलिटी को एक साथ जोड़ते हैं, धर्म और स्पिरिचुअलिटी अलग अलग चीज है। आध्यात्मिक होना अलग चीज है और धार्मिक होना अलग चीज है। पूजा करना मंदिर में अलग चीज होता है और धर्म निभाना अलग चीज होता है। तो हम लोगों को बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो चीजें एक दूसरे से कंफ्यूज हैं। हम लोगों की कोशिश ये रहेगा कि कैसे उन कंफ्यूज चीजों को हम बाइसेक्ट करें, निकालें उसमें से और अलग अलग सब। जैसे सिंपल एग्जांपल देता हूं कि एक आदमी जो बहुत तेज आवाज में बोलता है, हम लोग सोचते हैं वो आदमी बहुत गुस्सा है, वो अच्छा आदमी नहीं है, बहुत लाउड है उसकी आवाज, एक बहुत स्लो आवाज बोलने वाला आदमी होता है। इसका जो स्लो आवाज बोल रहा है इसका मतलब नहीं है कि वो हर चीज सही बोल रहा है और अच्छा बोल रहा है। जो लाउड बोल रहा है इसका मतलब ये नहीं कि वो नाराज है। लाउड अलग चीज होता है और नाराजगी अलग होती है, स्लो अलग चीज होता है और सॉफ्ट अलग चीज होता है। तो हम लोगों को बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन चीजों को हम लोग अगर बाइसेक्ट करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, आज की डेट में इंडिया में योगा बहुत पॉपुलर हो गया, यहाँ रशिया में बहुत योगा पॉपुलर हो गया। मैं योगा का पॉपुलर होने के लिए जो भी लोग बोलते हो, मेरा सोचना ये है, ये मेरा ओपिनियन है, योगा को दुनिया में पॉपुलर करने के लिए, इंडिया में पॉपुलर करने के लिए सबसे बड़ा जो योगदान रहा है वो रहा है बाबा रामदेव का जी। वो तो सब जानते हैं। बिल्कुल, सिर्फ समझना हम लोग को ये है कि ये जो योगदान उन्होंने दिया है वो किस, क्या उन्होंने एक नो हाउ डाला है उसके अंदर जो योगा इतना पॉपुलर हो गया। इसके पहले भी योगा बहुत था, 5000 साल से इंडिया में है, बिल्कुल क्यों नहीं पॉपुलर हो इतना ज्यादा, अभी इतना ज्यादा क्यों पॉपुलर हो गया? हुआ क्या है, जो मेरे को समझ में आता है कि बाबा रामदेव ने पहले तो योगा को धर्म से डिसोसिएट किया है, रिलीजन से। हाँ, बिल्कुल सही बोला। उन्होंने योगा को ये बताया है कि योगा सिर्फ एक हिंदू धर्म का सब्जेक्ट नहीं है जी, योगा एक ह्यूमन हेल्थ से रिलेटेड चीज है। बिल्कुल करेक्ट करेक्ट। जब आप उसको रिलीजन से डिसोसिएट करते हो जी, तो आपको जो जो चीज प्री कंडीशन है वो खत्म हो जाता है रिलीजन के साथ जो आता है। बहुत सारा मीट नहीं खाना, लहसुन प्याज नहीं खाना, सुबह 6 बजे उठोगे तभी योगा कर सकते हो। हाँ। ये प्री कंडीशंस होते थे जी। ये जो प्री कंडीशंस खत्म हो गए, सुबह में ही योगा होता है। अब बाबा रामदेव ने बताया रिलीजन अलग है, योगा अलग है, तब लोगों ने उसको अडॉप्ट किया। अब मैं फॉर एग्जाम्पल लहसुन प्याज भी खाता हूँ, मटन भी खाता हूँ तो मैं भी योगा कर सकता हूँ। कोई आदमी ड्रिंक भी कर रहा है वो भी योगा कर सकता है, आप खड़े होकर भी योगा कर सकते हो, आप लेट के भी कर सकते हो, मोटरसाइकिल में जाते हुए भी अलग अलग कर सकते हो जी, बैठे बैठे भी आप नाखून ऐसे कर सकते हो, आपकी आंख की रोशनी बढ़ जाएगी, मेरे को योगा का उतना जी। लेकिन मेरे को एक चीज मालूम है कि उन्होंने योगा को उस जगह से निकाला है जहां योगा रुक रहा है। जब उन्होंने इसे निकाला, अब हर जिम में योगा है। आज रशिया के अंदर कोई भी फिटनेस क्लब या जिम नहीं खुल सकता है जिसके अंदर योगा नहीं है, हर जगह लोग जा रहे हैं। तो हुआ क्या, अब जब योगा में लोग जा रहे हैं तो अब योगा में जाने के बाद सिर्फ वो फिटनेस ही नहीं रह गया, लोग धीरे धीरे करके उसके अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं। जब उसमें इन्वॉल्व होंगे तो फिर योगा आपको मेडिटेशन तक ले जाएगा, और जब आप मेडिटेशन में जाओगे, जब आगे बढ़ोगे उस पर, तब वो जो जगह होती है उस जगह में आपको जो रियल योगा होता है, ह्यूमन हेल्थ
एंड साइकोलॉजी, वो दोनों चीजें। तो बोलने का मतलब ये है कि कुछ चीजें जो होती है जिसको डिसोसिएट करने के बाद उसका पूरा पिक्चर सामने आता है। तो मेरा बोलने का तात्पर्य ये है कि हम लोगों को बहुत सारी चीजों को हम लोगों ने मिक्स किया हुआ, अपने बहुत सारे जो सोच है मेरे को लगता है कि हम लोगों ने मिक्स किया हुआ है। तो कहीं कहीं हम उनको अगर जब पहले बाइफर्केट करते हैं, उनको क्लियर करते हैं और उसको रियली डिफाइन करते हैं अपने लिए, तो क्या होता है कि जैसे तब हम आगे बढ़ते हैं तो पता चलता है कि ये चीज का मतलब ये है जी। सब्जेक्ट को समझना और प्रॉब्लम को समझना उसका हाफ सोल्यूशन होता है। अगर आप डॉक्टर के पास गए हो और आपको डॉक्टर ने पूछा कि आपको पूछा नहीं, बोला क्या कैसा तबीयत है आपका, आपने बोला मेरी तबीयत खराब है जी। अब उसको आपने बताया नहीं कि आपका तबीयत खराब कैसे है और क्या है, तो डॉक्टर को कैसे पता चलेगा। और आपका सर में दर्द हो रहा था और डॉक्टर ने आपको क्या किया कि पैर की दवाई दे दी, डॉक्टर को सब्जेक्ट समझ में नहीं आया, तो आपका सर का दर्द ठीक नहीं हो सकता। फोकस करके समझना कि प्रॉब्लम क्या है, ये अपने आप में सोल्यूशन है। तो हम लोगों का कोशिश ये रहेगा इन वीडियोज में कि बहुत सारी चीजों को हम राइटली डिफाइन कर सके। जब हम लोग उसको राइटली डिफाइन करेंगे फिर हर एक आदमी वो डेफिनेशन के थ्रू अपने आप को समझे कि वो उसमें कहाँ आ रहा है, किस जगह पे हम उसमें उसका यूज कर सकते हैं जी। कुछ चीजें हम बता सकते हैं कि ऐसे यूज करना चाहिए, कुछ चीजें हम नहीं बता पाएंगे। हर आदमी को अपना इंटेलेक्ट यूज करना पड़ेगा और इंटेलेक्ट यूज करके उसको निकालना पड़ेगा। तो हम लोग का कोशिश यही रहेगा। अब ईश्वर प्रकाश जी आगे देखें, फिर आगे सब्जेक्ट आएंगे तो बात करेंगे इसके ऊपर। नहीं नहीं, बहुत सब्जेक्ट आएंगे और काफी हमारे पास कमेंट आने वाले हैं, मुझे पक्का विश्वास है सब लोग अपने कमेंट डालेंगे। और वाकई आज आपसे मिलकर के बहुत खुशी हुई। और होते ना कि जमीन पर मकान बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन किसके दिल में जगह बनाना बड़ा मुश्किल काम है। तो वाकई हम किसी के दिल में जगह बना पाए, हमारा यही मकसद है। मेरा तो खास यही प्रयास रहता है। और ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा लोगों को, मुझे बहुत उम्मीद है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा। और ज्यादा लाइक कीजिए, हो सके शेयर भी कीजिए और जरूर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स डालना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके कमेंट पर ही हम अगला वीडियो बनाने वाले हैं। और हो सकता है कि हम इसको एज एपिसोड की तरह लेंगे। और फिर जैसे मैंने बताया कि शायद सब्जेक्ट बताएं, हम लोग बता दीजिए, हाँ फीडबैक दें हम लोगों को सब्जेक्ट क्या होना चाहिए। देखिए बेसिकली ब्रॉड सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, बिल्कुल बिल्कुल, अभी आप फीडबैक दें हम लोगों को तो हम लोग बताएंगे आपको क्या हम कर सकते हैं जी, हम और क्या उसके बारे में बता सकते हैं आपको। बेसिकली एनालिसिस करना जी, उसके ऊपर आज जो एक्सपीरियंस हम लोगों का है, आज जो 25 साल का एक्सपीरियंस प्लस जो हमने लाइफ में देखा है इनका एक्सपीरियंस, इससे हम लोग कुछ निकाल के अगर बता सकेंगे वो शायद बहुत ही छोटी चीज होगी, लेकिन शायद कहीं ना कहीं कोई यूज ला सकती है आपके लिए। तो चलिए आज के लिए यही विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे भारत।